पृथ्वी गार्डिंग एंड पैट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चार प्लांट आप देख पा रहे हैं, मैं वन टू वन आपको ये सारे प्लांट के कोडेक्स दिखाता हूं और किस तरीके से हम अपने प्लांट के कोडेक्स को मोटा कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने प्लांट की लुकिंग को बना सकते हैं, उस सब्जेक्ट में हम आज बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये मेरा जो फर्स्ट प्लांट है, ये इसका कोडेक्स देखिए आप। देखिए, एक ये मेरा प्लांट हो गया, एक ये मेरा सेकंड प्लांट हो आप जो देखिए, और ये प्लांट की ज़्यादा एज नहीं है, लगभग 3 से 4 साल के आसपास की एज है इन प्लांटों की। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये दूसरा प्लांट हुआ और ये मेरा तीसरा जो प्लांट है, इस प्लांट को हमने रूट ट्रेन किया हुआ है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये रूट जो बनी हुई है, ये हमने इसे रूट ट्रेन किया हुआ प्लांट है। आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि हम रूट ट्रेनिंग किस प्रकार से करते हैं प्लांट की, तो वो भी हम बताएंगे। और एक प्लांट मेरा ये है, देखिए ये थोड़ा सा इसकी एज कम है, इसको अभी मैं तैयार कर रहा हूँ और इसका भी अभी भी लगभग काफ़ी अच्छा हमारा कोडेक्स हो गया है, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे। और इसकी भी ब्यूटी बहुत अच्छी है। और ये जो मैंने आपको प्लांट दिखाया हूँ, ये मेरे सारे ग्राफ्टेड प्लांट हैं। और सीड हमारा जो नॉर्मल जो प्लांट है उसमें भी हम काम कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल प्लांट भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि धूप तेज़ है तो हो सकता है कि पिक्चर उतनी अच्छे से ना आए मोबाइल में, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप है। देखिए दोस्तों, ये मेरा नॉर्मल पिंक कलर का सीड ग्रोन प्लांट है, ये नॉर्मल ओबिसम है हमारा, और ये काफ़ी एज है और इसका कोडेक्स भी बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो दोस्तों, ये अभी अच्छा समय है हमारे पास, क्योंकि अभी हमारा एडेनियम का ग्रोथ का पीरियड चल रहा है, तो हम इस काम को अभी से शुरुआत कर सकते हैं। और कोशिश ये कीजिएगा दोस्तों कि इस चीज़ को, ये जो हम प्रोसेस जो बता रहे हैं, वो विंटर में ना करें, क्योंकि विंटर में उतनी अच्छी ग्रोथ हमारे प्लांट को मिल नहीं पाती है। उसका भी मैं आपको रिजल्ट में बताऊँगा कि विंटर में हमने ये प्रोसेस का कोशिश की थी करने की, तो हमें क्या रिज़ल्ट मिला, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊं कि इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए हमें कम से कम 6 से 8 महीने का हमें एक एडेनियम ओबिसम का हमें प्लांट लेना पड़ता है, तो वो हमने ले लिया है दोस्तों। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये हमारा 6 से 8 महीने के हमारा प्लांट है, तो हमने इस प्लांट को ले लिया है। अब इस प्लांट को हमने ले तो लिया है दोस्तों, लेने के बाद हमें इस प्लांट में करना क्या है, तो इस प्लांट को लेने के बाद, जैसे कि हमने मान के चलिए कि इस प्लांट को लिया है और इसे हमें उस अरेबिकम जैसे कोडेक्स मोटा करना है, तो इस प्लांट को हमने लेने के बाद हमने एक ब्लेड की सहायता से लगभग कोडेक्स से 2 से 3 इंच छोड़कर इसे हमें एक शार्प कट करना है। इस तरीके से हमने कट कर दिया है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी कट करने के लिए हमने ब्लेड का यूज़ किया, आप जिस भी टूल का उपयोग कर रहे हैं उसे सैनिटाइज ज़रूर कर लें, और यदि आपके पास सैनिटाइज ना हो तो आप डेटॉल वगैरह से भी आप अपने इंस्ट्रूमेंट को सैनिटाइज कर लें। आपने प्लांट को कट कर लिया है, अब कट करने के बाद जो महत्वपूर्ण एक हमें प्रोसेस जो करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका कटे हुए पोर्शन में हमें फंगीसाइड लगाना है, तो हम फंगीसाइड लगाते हैं दोस्तों। ये हम इसमें कटिंग वाले जो पोर्शन है इसमें हमने फंगीसाइड लगा दिया। यदि आपके पास फंगीसाइड ना हो तो आप हल्दी का भी उपयोग कर सकते हैं इसमें, देखिए दोस्तों। और
ये प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये लगभग हमारी 2-3 साल की ये प्रोसेस रहेगी, और यही हमें प्रक्रिया 6-6 महीने में हमें करना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, तभी आपका प्लांट जो है, ऐसी आपके प्लांट की ब्यूटी बनेगी और देखने में बहुत ही सुंदर हमें अपना प्लांट लगेगा। तो कट करने के बाद दोस्तों ये क्या होगा, इसमें हमने इस प्लांट को कट कर दिया और इस प्लांट को हम अभी छोड़ देंगे लगभग 6 महीने के लिए। तो दोस्तों इसमें होगा ये कि जो हमने कट किया है प्लांट को, तो प्लांट की जो जड़ें हैं वो अपना खाना तो बनाएंगी, पर खाना जो बनाएंगी तो ये पूरा खाना जो है हमारा कोडेक्स में आएगा, तो कोडेक्स हमारा मोटा होगा, क्योंकि कोडेक्स में अभी हमारे पास ब्रांचेस वगैरह है नहीं, तो कोडेक्स में ज़्यादा भोजन मिलेगा, तो कोडेक्स हमारा मोटा होगा। और इसमें कटिंग करने से ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे लगभग 3-4 ब्रांचेस हमारे पास निकलेंगी। तो दोस्तों ये हो गया आपको, अब इसका थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जब 3-4 ब्रांचेस निकल जाएगी तो उसके बाद हमारा प्लांट में किस तरीके से आए। देखिए दोस्तों, एक ये मैंने एक ये प्लांट आपको दिखाने के लिए रखा हूँ, ये भी हमारा ओबिसम का प्लांट है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने देखिए, यहाँ से हमने इस प्लांट को कट किया था, और कट करने के बाद देखिए हमें एक ब्रांच ये, एक ये और एक ये, हमें 3 ब्रांच हमें यहाँ पे मिल गई। इसी तरीके से इस तरीके से हमारी ब्रांचेस बनेंगी, और जब हमारी ब्रांचेस थोड़ी सी बड़ी होंगी तो उसे भी हम समय समय में हम कट करते चलेंगे और प्लांट को रिपोर्टिंग करते चलेंगे। देखिए दोस्तों, एक प्लांट ये भी दिखाना चाह रहा हूँ आपको मैं। हो सकता है दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो में को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे जो नए मित्र चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारा ये प्लांट था, इसमें हमारी 2 ब्रांचेस थी, तो एक ब्रांच हमने यहाँ से कट कर दी। देखिए यहाँ से हमने कट करी तो हमें यहाँ से 2 ब्रांचेस ये मिली, और एक यहाँ से हमारी एक ब्रांचेस ये मिली। तो ऐसे और हम ये हमने दोस्तों थोड़ा सा प्रोसेस विंटर स्टार्ट होने के पहले किया था, और उस टाइम पे ये हुआ कि देखिए हमारे प्लांट को सही पानी यानी नहीं मिला, तो इसका कोडेक्स सिंक हो गया है। अब धीरे धीरे से पानी मिलने लगेगा, ये थोड़ा सा प्लांट दबा हुआ था इसमें, तो पानी सही मिल नहीं पा रहा है, तो इसे मैं अपने सामने रखूँगा और इसे थोड़ा सा पानी वगैरह का ज़्यादा ये करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये अब ये वाली जो हमारी बड़ी हो गई ये ब्रांच, हम इसे भी कट कर दे रहे हैं ये। तो अब इसकी जो ब्यूटी है वो हमारी, हमने लगभग लगभग ये सारी ब्रांचेस को बराबर कर दिया है, क्योंकि हमारा ये अब सारी जो ब्रांचेस ग्रोथ करेंगी तो इसका एक बढ़िया लुकिंग आएगी और एक अच्छा कैनोपी बनेगा। तो दोस्तों एक प्लांट और मैं दिखाता हूँ जिसमें मैंने कल काम किया है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो ताकि उसको उससे आपको भी और अच्छा समझ में आएगा कि मतलब जब थोड़ा सा हमारा कोडेक्स साइज लेगा तो हमारा प्लांट कैसा दिखेगा, तो वो दिखाता हूँ। जैसा कि मेरे दोस्तों, ये आप कुछ मेरे ये प्लांट जो देख पा रहे हैं, इनमें हमारा अभी काम चालू है और देखकर आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम अपने प्लांट को अलग अलग प्रकार की एक लुकिंग दे रहे हैं। इसका थोड़ा सा, इस प्लांट को हम थोड़ा सा अलग एक ब्यूटी बनाना चाह रहे हैं, ताकि और भी थोड़ा सा हटके हमारा प्लांट लगे, तो ये एडेनियम प्लांट के कोडेक्स को मोटा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्लांट की आप इसकी लुकिंग देखिए, देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने कट किया था एक कट, और इसके बाद हमें ये 5 ब्रांचेस हमें मिली थी, और इसकी भी जो लुकिंग है अरेबिकम के जैसे है। देखिए जब ये इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, तो देखिए दोस्तों इसी के जैसे हमारा ये अरेबिकम जैसे हमारा प्लांट दिखेगा। तो दोस्तों बस वीडियो में बस इतना ही, मैं वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद।